Hi, good evening and welcome to this today's very short session of the science and technology related question. Only 7 questions we have to discuss here in the test paper number 4, right? Okay, so let's move the next question. Okay, question number 11. Right, consider the following statement with reference to the mission Hera. ठीक है, ओके हेरा. सबसे पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट इज द मिशन हेरा. मिशन हेरा इज द मिशन ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी. ठीक है, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है ये. इनका मेन काम क्या है, दे आर एक्चुअली डेवलपिंग द प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम एक्चुअली. ठीक है, प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम का ये क्या कर रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं प्लेनेटरी डिफेंस. दैट मीन्स की उपग्रहों के डिफेंस के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है. लेकिन किससे डिफेंस करना है, जो बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं, जब एस्टेरॉइड्स टूटते हैं आसमान से तो क्या होता है कि चांसेस ऑफ द कोलिजन विद द डिफरेंट प्लैनेट्स. और वी नो दैट कि अर्थ इज आर प्लैनेट, राइट. तो अर्थ से किसी भी तरह का कोई भी कोलिजन ना हो उन इस एस्टेरॉइड्स का, उसके लिए क्या है कि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिशन हेरा रखा है. ठीक है, और इन्होंने पहली बात तो ये देखी कि इनका जो टारगेट है, मिशन हेरा का टारगेट जो है ये अक्टूबर 2024 तक है. इन्होंने बोला है कि अक्टूबर 2024 तक ये इन ऑपरेशन हो जाएगा. कौन सा? मिशन हेरा. ठीक है, इससे क्या है कि ये मतलब बहुत सारे, जैसे नासा की बहुत सारी ऐसे डेवलपिंग या आप कह सकते हो कि डेवलप्ड ऐसे मिशन हैं जिनको ये कंसिडर कर रहे हैं सामने, लेकिन डायरेक्टली इनका कोई हेल्प नहीं कर रहा है. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, किसी भी स्पेस एजेंसी द्वारा इनका कोई हेल्प नहीं है, खुद से ही क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. किसका पहले ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का. ठीक है, इसका एम क्या है, एम है द प्रोजेक्ट एम टू कंडक्ट द स्टडी रिलेटेड टू द थ्रेट ऑफ द अर्थ कोलिजन विद द एस्टेरॉइड. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी अर्थ कोलिजन होता है, ठीक है, किसी भी एस्टेरॉइड से, तो अब ऐसी बात है कि जब भी अर्थ के रेंज में, अर्थ के ऑर्बिटर रेंज में जब भी हमारा क्या बोलते हैं कोई भी एस्टेरॉइड आएगा, तो सबसे पहले जो भी सैटेलाइट्स हैं वो मूव कर रहे हैं अर्थ के ऑर्बिट में, उनको भी क्या होगा, कोलिजन होने के चांसेस रहेंगे, जिससे सैटेलाइट क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं. ठीक है, इसका एक मेन एम जो है वो क्या है, द प्रोटेक्ट ऑफ द कोलिजन विद द एस्टेरॉइड ऑफ कोलिजन ऑफ सैटेलाइट एज वेल एज अर्थ एज वेल एज प्लैनेट, राइट. तो दी फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट. एंड सेकेंड है, इट इज़ अ ज्वाइंट मिशन ऑफ नासा. नहीं, मैंने पहले बोला था कि ज्वाइंट मिशन नहीं है किसी भी तरह का, नासा और इसरो का तो बिल्कुल नहीं है. और ये किसका मिशन है, ESA का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का. सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन ए. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इज द, यहाँ बात हो रही है आयरन रिच रेड राइस ऑल्सो रिफर्ड एज द बाओधार. ये धार नहीं है, ध्यान रखना, ये धान है. क्या है? धान. धान विनोद है ना, पैडी बोलते हैं इसको, है ना, पैडी का कल्चर, सॉरी एग्रो फार्मिंग किया जाता है, आपको पता ही है जी. तो बाओ धान. ठीक है, बाओ धान, सबसे पहले आप ये देखिए कि एक रेड कलर का राइस होता है, रेड राइस होता है. ठीक है, और इसमें आयरन की क्या होती है, अबंडेंस होती है, आयरन का अबंडेंस होता है इसमें. ठीक है, मतलब आयरन इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, आयरन का बहुत एक अच्छा सोर्स है. ठीक है, और अब जो पता ये चल ही रहा होगा कि नाम से ही क्या आयरन सोर्स है, तो सीधी बात है कि बहुत सारे माल न्यूट्रिशंस को कम करने के लिए, है ना, माल न्यूट्रिशंस को कम करने के लिए हम इस साइज का उपयोग कर सकते हैं. और बेसिकली ये जो क्रॉप है, ये जो क्रॉप है ये तैयार होती है कहाँ पे, आसाम स्टेट के जो भी ब्रह्मपुत्र का जो भी डेल्टा ही मत कहिए, ब्रह्मपुत्र के जो रीजन है, ठीक है, वैली रीजन है. ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली रीजन जो है वहाँ पर ये धान पैदा होता है. और ड्यूरिंग द फ्लड, ठीक है, फ्लड के टाइम क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र का पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाता है. ठीक, तो चांसेस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द दिस बाओ धान इज इंक्रीजेस. ठीक है, और इससे क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर आयरन की इतनी ज़्यादा अधिकता पाई जा रही है इसमें, आयरन रिच रेड राइस है ये. ठीक है, तो आयरन की अधिकता पाई जा रही थी, काफ़ी महंगा बिकेगा, तो जिससे क्या होगा कि आसाम की बहुत सारी फैमिली का जो भी फैमिलीज हैं, ठीक है, उनके एक तरह से आप देखा जाए तो इकोनॉमिकली कंडीशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट. तो ये कहाँ का है, आसाम का है, ध्यान रखना, आसाम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, आपको पता ही है. ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है, ओके, 21 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर. ये कह रहे हैं कि HSFICC की बात कर रहे हैं ये. ठीक है, बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट और ट्रू. ठीक है, बोल रहे हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज 2700 crores ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंस्ट्रक्ट इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर HSFIC, राइट. सेकेंड इज दिस एस्ट्रोनॉट हब विल बी एस्टैब्लिश तमिलनाडु.
And third is the Human Spaceflight Center will become the functional 2022. सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये HSFIC जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, ये इसरो का ही है, ठीक है? ये इसरो द्वारा प्रपोज किया गया है, जिसकी लागत करीब 2700 करोड़ तक की मापी गई है, ठीक? और इसका जो अभी डेवलपिंग है, अंडर डेवलपिंग कंडीशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो टारगेट रखा गया कि ये मिशन कब तक कंप्लीट होगा, तो हमारे 2022 तक कंप्लीट होगा, ठीक है? जनवरी 2020 में, ठीक है, 6 जनवरी 2020 को प्रपोज किया गया था। कब प्रपोज किया गया? जनवरी 2020। और अश्योरेंस किया गया कि मतलब आने वाले इन फ्यूचर अपकमिंग 3 ईयर्स, ठीक है, विद इन 3 ईयर्स ये हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, मन के तैयार हो जाएगा और ऑपरेशन में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसका जो मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये तमिलनाडु में नहीं किया गया है, ठीक है? ये कहाँ किया गया है? चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कहाँ पे? चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है? ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें इसमें, ठीक है? फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है, तो ये द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट अबाउट SRSS-1 बोलना है कि SRSS-1 क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर IRSS की बात करें तो आपको फुल फॉर्म पता होगा क्या होता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है? यहाँ बात कर रहे हैं एस फॉर द सूडान, ठीक है? तो सूडानीज बोल रहे इसको, ठीक है? जैसे इंडिया का इंडियन, सूडान का सूडानीज, तो बोलना है सूडानीज रिसर्च स्पेस, सॉरी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सूडानीज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वन नाम दिया गया, दैट मीन्स की पहला मिशन है। आपको ये भी पता होना चाहिए, फर्स्ट है ये, कहाँ का है? सूडान का है, ठीक है? आइए बात करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि सूडान का ये मिशन है, सूडान के सिविलियन और मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज किया जाएगा, लेकिन सूडानीज गवर्नमेंट इसको यूज तो जरूर करेगी, लेकिन डेवलप इसको किया गया है चाइना की एक स्पेस कंपनी है, ठीक है? जिसको बोला जाता है सेंजोंग एयरस्पेस, ठीक है? क्या बोला जाता है? सेंजोंग एयरोस्पेस, ठीक है? एयरोस्पेस, तो ये डेवलप किया गया है एयरोस्पेस कंपनी, ठीक है? ये इसी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, कौन सा? SRSS-1, ठीक है? उसके बाद इस सैटेलाइट को चाइना से ही लॉन्च भी किया गया है, ठीक? दैट मीन्स कि सूडान केवल इसमें मनी दिया है जिससे कि इसका डेवलपमेंट किया गया है, लेकिन इसका डेवलपमेंट भी चाइनीज कंपनी द्वारा किया गया है, इसको लॉन्च भी चाइना से किया गया है, ठीक है? तो और यूज किया जाएगा किसमें? बोथ सिविलियन एंड द मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री यूज दोनों इसका यूज है। तो इसमें बोला, आइए एक ऑप्शन थोड़ा स्टेटमेंट देखते हैं, चाइना हैज लॉन्च सूडान फर्स्ट एवर सैटेलाइट SRSS-1 अलॉन्ग विद इट सैटेलाइट, ठीक है? दो तीन सैटेलाइट चाइना भी अपने लॉन्च कर रहा था, उसके साथ में SRSS-1 को भी लॉन्च किया उसने, ये करेक्ट ऑप्शन है। SRSS-1 सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय द इंडिया, नहीं, बाय द चाइना, मैंने पहले आपको बताया, बाय द चाइना। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट टू हमारा रॉन्ग है, सैटेलाइट इज स्मॉल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पहली बात कर लिया था, दैट एम्स टू गिव बूस्ट टू मिलिट्री एंड स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 और 3, सेकंड ऑप्शन हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है, ठीक है? ओके, आइए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, फाइन, क्या दिया गया इसमें? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मीथेन संचालित रॉकेट इंजन विकसित कर रहा है, ठीक है? मीथेन, जिसे अंतरिक्ष में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संश्लेषित किया जा सकता है, अक्सर भविष्य के अंतरिक्ष ईंधन के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है? ओके, यह ज्ञात होना चाहिए कि इसरो का तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र भारत में 2 परिसरों में फैला है, एक त्रिवेंद्रम में है और दूसरा बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है? अब इसमें से कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही है, और डी ऑप्शन आपका आ रहा है कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ऐसे स्टेटमेंट दिए हों, ठीक, जिसमें कि कोडिंग ना की गई हो, और डी ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शन, तो उसमें मोस्टली ये होता है 60% चांसेस ये होता है किसमें हमारे सारे ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है? अगर किसी कोई ऑप्शन इसमें से गलत रखेंगे तो नीचे कोडिंग कर देता है, UPSC की एक ट्रिक होती है ऐसा कुछ करके, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा वो सही हो, मैं पहले बोल रहा हूँ इसे आप लोग प्लीज ध्यान दें, ठीक है? आइए बात करते हैं कि क्या है हमारा मीथेन का एज अ फ्यूल के रूप में, स्पेस फ्यूल के रूप में फ्यूचर में बात की जा रही है कि इसका यूज होगा, ठीक है? ठीक है, हाँ, तो इसरो जो है हमारा ये एक डेवलप कर रहा है मीथेन पावर्ड रॉकेट इंजन, ठीक, बिल्कुल सही न्यूज़ है ये कि हाँ इसको कर रहा है, और 23rd सितंबर 2019 की न्यूज़ है ये, सबकी न्यूज़ है 2019 की न्यूज़ है, जब इसरो ने
हमने आधिकारिक वेबसाइट से चीज जारी किया कि यस वी आर डेवलपिंग अ मीथेन पावर्ड रॉकेट इंजन, ठीक है। और कैन सिंथेसाइज वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इन स्पेस। हाँ, आपको पता है कि जैसे स्पेस में क्या होते हैं, स्पेस में वाटर ड्रॉपलेट्स और हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। तो एज यू नो दैट कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का अगर हम H2 हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर रख करके कोई कैटलिस्ट रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होता है CH4+2H2O, ठीक है, ये वाटर हमारा बनता है और साथ में हमारी क्या हमने मीथेन गैस बनती है, ठीक है। ये एक सेबेटियर रिएक्शन है, सेबेटियर या सेबेटियर कुछ भी कह सकते हो आप, रिएक्शन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इस रिएक्शन को खोजा था और मीथेन का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। तो हमारे वायुमंडल में दोनों चीज़ अवेलेबल हैं, आपको पता ही है, जिससे हमारा मीथेन बन सकता है, ठीक है। तो भविष्य में क्या है कि और अच्छे मात्रा में अवेलेबल हैं दो के दोनों, तो भविष्य में क्या हो सकता है कि एक बहुत ही अच्छा हमें क्या हो सकता है स्पेस फ्यूल का ऑप्शन तैयार हो सकता है, ठीक है। बोलना कि इट शुड बी नोन दैट द इसरो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर स्प्रेड अक्रॉस टू कैंपसेस इन इंडिया, वन इज त्रिवेंद्रम केरला एंड अदर लोकेटेड इन द बैंगलोर कर्नाटका, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही है, जो भी हमारा लिक्विड LPSC, ठीक है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, ठीक है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, ये 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1987 में। पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसका? इसरो इसका क्या है? PO है, पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ABC सारे सही है, दैट मीन्स की डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आइए बात करते हैं विच इज नॉट ट्रू अबाउट द ई सिगरेट। बोल रहे हैं ई सिगरेट के बारे में क्या ट्रू नहीं है, ठीक है। चलिए क्या ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, ये पे ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजिंग हो सकता है, ट्रू के बारे में बात नहीं है, नॉट ट्रू के बारे में। अब इसमें से ABC और लास्ट में दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है, ये भी दिया हुआ है ऑप्शन डी नंबर, ठीक। चलिए बात करते हैं, पहली बात तो आप ये समझिए ई सिगरेट होता क्या है। सिगरेट सब लोग जानते हो, स्मोकिंग के लिए यूज किया जाता है। ई सिगरेट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ठीक है, कंसीडर एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैटरीज लगी होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मतलब कि सॉल्वेंट यूज होते हैं, जैसे हमारा प्रोपाइलिन हो गया, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ठीक है, निकोटीन हो गए, और कुछ फ्लेवर जैसे आप देखते हो सिगरेट पीने वाले, स्मोकिंग करने वाले जैसे सिगरेट पीते हैं, लौंग के फ्लेवर का सिगरेट, राइट, इलायची फ्लेवर, हाँ, तो फ्लेवरिंग एजेंट भी इसमें मिक्स होता है, राइट। तो इन सबको क्या कहते हैं, इन सबका लिक्विड यूज होता है, एरोसोल्स यूज होता है। क्या यूज होता है? एरोसोल, एयर और सोल्यूशन, है ना, दो चीज मिलकर बनाओ, समझो। एरोसोल्स किस फॉर्म में होता है? जैसे आपके ड्यूड्रेंट होता है, ड्यूड्रेंट में भी एरोसोल्स होता है, मिक्स होता है, राइट, उसी तरीके से हमारा ई सिगरेट होता है। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि जनरली नोन एज द बैटरी ऑपरेटेड, हाँ बिल्कुल, बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रोड्यूस वेपर, ये वेप मतलब वेपर, ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं उसको वेप बोलते हैं, ठीक है, जो उसके कंसिस्ट होता है, प्रोड्यूस करता है ये वेपर बाय हीटिंग निकोटीन इन सॉल्यूशन, हाँ निकोटीन का यूज होता है इसमें, ठीक। ऑब्वियस बात है, निकोटीन इज अ हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस, क्या होता है ये? एडिक्टिव सब्सटेंस और केमिकल, कैसा एडिक्टिव? हाईली एडिक्टिव होता है, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑन सेप्टेम्बर 2019 प्रेस कॉन्फ्रेंस, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस द कंप्लीट बैन ऑन द सिगरेट, दिस वॉज द कंप्लीट बैन ऑन द प्रोडक्शन सेल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ई सिगरेट, ठीक है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सबने मिल करके डिसाइड किया और ये एक मतलब कि डिसीजन लिया गया, बिल पास किया गया कि हाँ ई सिगरेट को कम्प्लीटली बैन करना चाहिए, क्योंकि ये एडिक्शन कॉज कराते हैं और हार्मफुल तो हैं ही, आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है ना। और डी है कि स्टेटिंग यूज ऑफ द ई सिगरेट कॉजिंग अलॉट ऑफ डैमेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट 300 मिलियन US citizens आर यूजिंग ई सिगरेट एंड अ 78% इंक्रीज इन द यूज ऑफ ई सिगरेट हैज बीन फाउंड अमंग हाई स्कूल स्टूडेंट इन द यूएस, बता रहे हैं कि जितने मतलब एक डेटा दिया उन्होंने, डेटा देने के बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जैसा उन्होंने ये बोला कि 300 मिलियन जो US citizens हैं उनमें से जो जितने ई सिगरेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से 78% जो है वो कैसे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, स्कूल है, आपको पता ही है कि ड्यूरिंग द टीन एजर बड़ा शौक होता है लोगों को ना ये सब शो ऑफ करने का, ठीक। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दैट मीन बोल रहा है नॉट ट्रू, नन ऑफ द दिस, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो करेक्ट ना हो। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या पूछा, क्या हमें टिक करना है, राइट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 ना, हाइपर पैरासाइट रिफर्स टू, हाइपर पैरासाइट,
ठीक है आइए बात करते हैं। पहले बात करते हैं पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट आपको पता है पैरासाइट क्या होता है, परजीवी, हिंदी में बोलते हैं परजीवी, मतलब दूसरों के ऊपर जो जीवन जिनका आश्रित होता है, जो दूसरों के ऊपर रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, पैरासाइट। दैट मीन्स कि अ लिविंग थिंग विच आप कह सकते हो कि लाइज ऑन द बॉडी ऑफ द अनदर लाइफ, ठीक है, आप कह सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ये लाइफ करते हैं और अपनी लाइफ को क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इसी की तरफ, ठीक है, उससे सारा सारा क्या करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं किसी दूसरी बॉडी से, ठीक। तो दीज आर कॉल्ड पैरासाइट। लेकिन उन पैरासाइट के ऊपर भी अगर कोई पैरासाइट हो तो उसे बोलते हैं हाइपर पैरासाइट। दैट मीन्स की पैरासाइट ओवर अ पैरासाइट, ठीक है, इट्स कॉल्ड द हाइपर पैरासाइट, ठीक। क्या इसमें ऑप्शन आ रहा है कि ये पैरासाइट दैट मल्टीपल्स ओनली इन ह्यूमंस, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है, केवल ह्यूमंस में नहीं होता ये चीज, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपका कहीं भी हो सकता है। ये बहुत सारे फंगस होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो बहुत सारे एल्गीज से पैरासाइट की तरह, एल्गी भी पैरासाइट होती है लेकिन उनके ऊपर ये रह करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। अब पैरासाइट दैट मल्टीपल्स ओनली इन प्लांट रूट, ये भी गलत है, ठीक है, केवल प्लांट रूट में भी नहीं होते। एनी पैरासाइट हुज होस्ट इज अ पैरासाइट, जो मैंने पहले बोला कि इनका होस्ट भी क्या होता है, पैरासाइट होता है। दैट मीन्स की पैरासाइट ओवर द पैरासाइट, ठीक है, दैट मीन्स एनी पैरासाइट हुज होस्ट इज अ पैरासाइट। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी है, डी, क्या है, पैरासाइट दैट डिपेंड्स ऑन होस्ट ओनली फॉर शेल्टर, नहीं केवल शेल्टर के लिए, रहने के लिए नहीं, इवन वहां तक कि ये वहां से फूड मटेरियल भी एब्जॉर्ब करते हैं, प्राप्त करते हैं, उन्हीं की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स भी क्या करते हैं, ये अपने यूज के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एनी पैरासाइट हुज होस्ट का पैरासाइट, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो थैंक यू ऑल।